चलिए बात करते हैं स्टारगेट फाइनेंस की और देखते हैं इसके कुछ अपडेट्स को लेके कि क्यों ये कॉइन मार्केट कैप में ट्रेंडिंग कॉइन के लिस्ट में है और ऐसा क्या बात हुई है कि इसमें 30% का जंप मतलब इसने आज के दिन दिया है। साथ ही साथ सेंटीमेंट का एक रिपोर्ट देखेंगे। आप सभी को पता है कि स्टारगेट फाइनेंस जो है वो बाइनेंस में लिस्ट हुई है पिछले वीक, बट ये अनाउंसमेंट बाइनेंस करे उसके पहले शायद वेल्स को इस अनाउंसमेंट के बारे में पता चल गया था। वेल्स यानी कि बिग मनी कह लीजिए या स्मार्ट इन्वेस्टर कह लीजिए, और सेंटीमेंट का जो रिपोर्ट है या सेंटीमेंट ने जो मतलब अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है शायद बाइनेंस लिस्टिंग स्टारगेट की जो बाइनेंस लिस्टिंग है उसको वे करके वेल्स को पहले पता चल गया था और वेल्स ने तभी एक्विजिशन करना चालू कर दिया था। तो चलिए चलते अपने वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जो स्टारगेट फाइनेंस है वो बाइनेंस में लिस्ट हुआ था पिछले फ्राइडे को। अब उसके बाद में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया जहां पे उन्होंने कम्युनिटी को वे करके कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। अब उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेजर जो दो इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। एक है बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर और एक पैन के स्वैप के इंटीग्रेशन को लेकर के। तो एसटीजी की जो टीम है उन्होंने जो मतलब ट्वीट किया उसमें ये बताया कि जो बाइनेंस में जब लिस्ट हुआ एसटीजी उसके बाद में जो यूजर एक्टिविटी है वो काफी बढ़ गई है और करीब करीब 59,000 यूजर न्यू यूजर एक्टिविटी जो है मतलब इंक्रीज हो गई है। तो ये स्वाभाविक सच चीज है कि मतलब सभी को पता है कि बाइनेंस जो वर्ल्ड का नंबर वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले बहुत सारे लोग है। ओके, तो सीधी सी बात है कि कोई भी कॉइन वहां पे लिस्ट होगा तो उसकी जो यूजर एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी होगी। बट जो सेकंड पॉइंट इसके साथ एड ऑन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ $9 बिलियन के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो पहले दो दिन में देखा गया है बाइनेंस में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितने टाइम्स बढ़ गई है बाइनेंस में वेस्ट करने के बाद। इन्होंने एक और अपना अपडेट दिया है पैनकेक स्वैप को लेकर के कि पैनकेक स्वैप ने जो है वो स्टारगेट की जो विजेट है जो मतलब स्मॉल आप बोल सकते गैजेट्स है उसको मतलब पैनकेक स्वैप ने इंटीग्रेट किया अपने साथ मतलब जोड़ गया है केवल कोडिंग करके। ओके, इसको छोड़ के भी और कुछ ऐसा मतलब न्यूज है जो कि मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल इनका एक व्हाट्स नेक्स्ट है मतलब आने वाले समय में उनका मतलब कौन सी बात टीम मतलब ध्यान दे रही है, क्या डेवलप करेगी और कौन सी बात को वे करके मतलब उनको का जो है मतलब डिस्कशन ज्यादा होगा। तो एक सेकंड पॉइंट है द गोल इज टू बी ऑन एवरी चेन बट द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। जो टीम है स्टारगेट फाइनेंस की उनका ये गोल है कि मतलब जो स्टारगेट फाइनेंस है वो हर एक चेन में उसकी मतलब एवेबिलिटी हो, हर एक चेन में उसको लॉन्च करे मतलब अवेलेबल हो, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। सो ये कुछ डिस्कशन थी, ये कुछ पॉइंट थी जो मतलब स्टारगेट फाइनेंस की कम्युनिटी ने मतलब ट्विटर में ट्वीट करके मतलब कम्युनिटी को जानकारी दी है। अब इसी बीच सेंटीमेंट का एक रिपोर्ट आया जो कहा है कि स्टारगेट फाइनेंस वाज लिस्टेड ऑन बाइनेंस फ्राइडे एंड ऑन चेन मैट्रिक्स बिगन मिस्टेक्स के ब्रूइंग अप 10 मिनट्स बिफोर द अनाउंसमेंट। सेंटीमेंट का ये कहना है कि जो स्टारगेट फाइनेंस है वो बाइनेंस में जो है वो मतलब फ्राइडे को लिस्ट हुआ, लेकिन जो ऑन चेन मैट्रिक्स है मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ उसके 10 मिनट पहले ही वो ऑन चेन मैट्रिक्स में मालूम पड़ गया कि स्टारगेट फाइनेंस की जो कॉइंस है वो कोई ना तो कोई एक्युमुलेट कर रहा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट हैंड में कहा कि जो राज वॉलेट्स है जो कि 1000 से लेकर के 100,000 यानी कि 1000 से लेकर 1 लाख कॉइंस जो एसटीजी के कॉइंस होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे जो राज वॉलेट्स है वो करीब करीब जो है वो मतलब डबल हो गए अनाउंसमेंट होने के पहले। तो उन्होंने एकदम डिटेल्ड जो है मतलब इसका इन्होंने मतलब रिपोर्ट निकाला है। तो इन्होंने रिपोर्ट में ये भी दिया कि देखिए 9:18 को जो है AM में बाइनेंस ने मतलब ट्वीट करके बताया था कि मतलब वो स्टारगेट फाइनेंस को लिस्ट करेंगे और साथ ही साथ ऑन चेन मैट्रिक्स का वेगस देखेंगे। तो उन्होंने ये एक बताया है कि मतलब कैसे 10 मिनट पहले अचानक आप देखेंगे तो जो मतलब वॉलेट्स है जिसके पास 1000 कॉइन से लेके 1 लाख कॉइन थे वो ऑटोमेटिकली मतलब डबल हो गए 10 मिनट पहले। इसका मतलब उनको डाउट है या उनका ये रिपोर्ट का कहीं ना तो कहीं मतलब इशारा कर रहा है कि शायद हो सकता है कि जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है या वेल्स कह सकते हैं जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनको ये न्यूज शायद पहले ही पता चल गई थी। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।